दो मुकाबले खेले गए। पहला मैच कोलकाता ने जीता, गुजरात को हराया। एक रोमांचक मैच, सांसें रोक देने वाला मैच। रिंकू सिंह 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए और केकेआर को जीत दिलाई। और दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराया। तो देखिए आज जो बात है, ज़्यादा मैच के बारे में नहीं बात करेंगे, बात करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने आपके संडे को सुपर बनाया। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह ने कोलकाता के लिए बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 21 गेंदों में 48 रन की शानदार पारी खेली, जहां उन्होंने 1 चौका और 6 छक्के लगाए। इस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट था वो लगभग 229 का रहा। रिंकू सिंह ने आखिरी 7 गेंदों पर कुल 40 रन बनाए और आखिरी 5 गेंदों पर बनाए 30 रन और कोलकाता को जिताया एक रोमांचक मैच। हालांकि इस मैच में पहले रिंकू सिंह से विजय शंकर ने भी एक धमाकेदार पारी खेली थी। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों पर नाबाद 63 रन बनाए थे, जहां उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के लगाए थे और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 262 से ज़्यादा का था। अगर देखिए रिंकू का तूफान नहीं आता तो इस मैच में हर तरफ शंकर शंकर ही हो रहा था और शंकर बड़े हीरो बनकर उभर सकते थे, लेकिन शंकर की उस पारी को ओवरशैडो कर गए रिंकू सिंह। अब आगे बढ़ते हैं।